आज की वीडियो में हम लोग वॉचवेयर के बारे में बात करेंगे कि वॉचवेयर का यूज कैसे होता है, कहाँ होता है और ट्रांसलेशन कैसे बनता है। तो पिछले वीडियो में इज आर एम वगैरह के बारे में बताया था, उससे पहले एन ए एन और द का कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भरा जाता है, ए एन द का अगर क्वेश्चन आता है तो सारा कुछ मैं अच्छे से बताया हूँ, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में मौजूद है तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये है आज वॉचवेयर के बारे में। अगर मेरे पहले वीडियो अगर आप देख लेते हैं इज आर एम का तो आपको समझने में आसानी होगा, क्योंकि सब उसी तरह से बनेगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वॉचवेयर हमेशा यूज होता है कहाँ, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस यूज इन पास्ट टेंस, यूज इन पास्ट टेंस कहाँ यूज होता है, सिर्फ पास्ट टेंस में। वॉचवेयर, वॉचवेयर का जो यूज होता है पास्ट टेंस में यूज होता है, जबकि इज आर एम जो था उसका यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। तो देखिए वॉच का हिंदी होता है था, थी, था या थी, वह खेलता था या वह खेलती थी, इस तरह से। वेयर का मतलब तुम लोग अमीर थे या हम लोग अमीर थे, इस तरह से थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वॉचवेयर का यूज कैसे होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर इसको आप ध्यान देते हैं तो भविष्य में आप कभी भी बना सकते हैं, एक बार ही सीखना इम्पोर्टेंट होता है, बाकी फ्यूचर में बहुत काम देगा। तो यहाँ पे देखिए इच और एम और आर जो पढ़े थे हम लोग, उसी का वो तो प्रेजेंट में था, उसी का पास्ट में वॉचवेयर होता है। तो इच और एम का पास्ट क्या होता है, वॉच, और आर का पास्ट क्या होता है, वेयर। ये उसी का पास्ट में आता है, इज और एम का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, वॉच, और आर का जो पास्ट होता है वेयर होता है। बस इतना ही समझना है कि इज और एम का पास्ट होता है वॉच और आर का होता है पास्ट वेयर होता है। दो बार इसलिए रिपीट करा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। फिर से बोल रहा हूँ, इज और एम का पास्ट होता है वॉच और आर का पास्ट होता है वेयर। बाकी जैसे बनता था ट्रांसलेशन, जिस तरह से मैं बताया था उसी तरह से सब कुछ बनेगा। अभी मैं क्लियर कर दूंगा, अभी जैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे ना क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, ये पे लिख देता हूँ, इज और एम का पास्ट होता है क्या, वॉच, और आर जो होता है उसका पास्ट क्या होता है, वेयर। इसको समझाने में आसानी होगा इसलिए यहाँ पे कोने में लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई का यूज, आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, आई के साथ हमेशा वॉच का यूज होता है, आई के साथ हमेशा वॉच का यूज होता है। ही सी ट्वीट और नेम रहेगा, ही तो बता दिया लड़की के लिए यूज होता है, सी जो है लड़की के लिए यूज होता है। मैं इज आर एम का जो वीडियो बनाया था उसमें सारा हिंदी लिख दिया था, आई का हिंदी, ही सी इट का हिंदी, वाच सब कुछ का हिंदी लिख दिया था, यू का हिंदी क्या होता है, वी का हिंदी क्या होता है। तो अगर हिंदी जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, इस वीडियो में नहीं बता सकता है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और बार बार बताया नहीं जाता है, क्योंकि जब पहले से ऑलरेडी मौजूद है तो टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो यहाँ देखिए ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, और इट, इट मतलब क्या होता है, यह होता है, और दिस मतलब भी क्या होता है, यह होता है। ही सी इट और कोई सिंगुलर नेम, कोई सिंगुलर नेम का मतलब क्या, कोई एक सिंगल नाम, यानी सिंगुलर नेम। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं, नेम यहाँ पे लिख दिया जाता है कभी भी ट्रांसलेशन में कि सिंगुलर नेम, सिर्फ नेम लिख दिया जाता है तो कोई भी बच्चा कन्फ्यूज आता है कि नेम तो बहुत सारा होता है ना, तो सिंगुलर नेम मतलब एक ही नाम रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम सोहन, सोहन हो गया, दिनेश हो गया, इस तरह से होगा। राम तो बहुत पुराना हो गया क्योंकि राम हमें हमेशा यूज करते हैं, तो सिंगुलर नेम यानी एक नाम। अगर दो नाम रहेगा सोहन एंड मोहन तो वो प्लुरल हो जाएगा, यानी बहुवचन होगा, एक से ज़्यादा नाम हो जाएगा तो उसके साथ हमेशा प्लुरल लगेगा, यानी आर यूज हो जाएगा, वेर यूज हो जाएगा, इस तरह से। तो आई के साथ ये यूज होगा, ही सी इट और नेम, सिंगुलर नेम के साथ सोहन यूज होगा। अगर यहाँ पे दैट, दैट मतलब क्या होता है, वह, वह कब यूज करते हैं, जब ही सी का मतलब भी वह होता है लेकिन दैट मतलब भी वह होता है,
लेकिन ये यूज करते निर्जीव के लिए, उसमें मैं अच्छे से बताया था निर्जीव के लिए यूज होता है, कोई भी मरा हुआ चीज रहता है निर्जीव, दैट टेबल निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है, निर्जीव वस्तु के लिए वह टेबल होगा, दैट टेबल, दैट फैन, दैट स्विच बल्ब, इस तरह से मतलब यूज कर सकते हैं। इन सब के साथ क्या यूज होगा, वाज, ही वाज, इस तरह से ही वाज पुअर, वह गरीब थी, इस तरह से। अब यहाँ पे वी, वी मतलब हम लोग, और यू और दे, इन सब के साथ यूज होता है वेयर, वेयर यूज होता है। वी मतलब बहुत लोग, प्लुरल हुआ ना हम लोग, तो हम लोग बहुत ज्यादा लोग हैं तो वेयर यूज होगा। यू मतलब वेयर, तुम लोग, यू का मतलब क्या होता है, ये तो तुम भी होता है, आप भी होता है, तुम लोग भी होता है, तो ये थोड़ा ऑप्शनल हो गया, इसलिए इसके साथ कभी कभी थोड़ा चेंजेस आते रहता है। तो वेयर यूज होगा, दे के साथ वेयर यूज होगा क्योंकि वेयर लोग हो गया। दोज पीपल भी यहाँ लिख सकते हैं, दोज पीपल, दोज पीपल मतलब भी दे का ही मतलब होता है, दोज पीपल मतलब वे लोग होता है। दोज हो गया, दीज हो गया, ये सब के साथ, दोज मतलब वे सब, दूर की वस्तु की, दीज मतलब ये लोग, ये सब, ये दोज मतलब होता है सब, सब में आ जाता है, वे सब, ये वे, ये सब हो जाएगा। थोड़ा बता देता हूँ ये सब के लिए, तो इन सब के साथ वेयर का यूज होता है। अब यहाँ पे थोड़ा बोर्ड देखिए, जहाँ जहाँ हम लोग इज और एम का यूज करते थे उसके साथ वाज का यूज हो रहा है। देखिए आई, आई के साथ हम लोग क्या यूज करते थे, एम, एम के साथ क्या लगा, वाज, आई के साथ क्या लगा, सॉरी आई के साथ क्या लगा, वाज। इज का यूज कहाँ करते थे हम लोग, ही, सी, इट और सिमिलर नेम और दैट वगैरह में, उसके साथ भी तो वाज लगा। तो जहां जहां कहने का मतलब हुआ, जहां जहां इज और एम लगता था वहां अगर पास्ट का सेंटेंस आ जाए तो वाज लगा दिए, और बाकी जैसे वी, यू, दे, दोज पीपल, इसके साथ हमेशा आर का यूज करते थे, ये वाला आर, आर का यूज करते थे, आर से नहीं, ए आर, ये आर, तो उसके साथ आर यूज करते थे। तो यहाँ सिंपली देखिए वेयर का यूज किया ना, तो इतना याद करने का जरूरत नहीं है, एक बार समझ लीजिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो इसको याद कीजिए ना, इज और एम का पास्ट क्या था, वाज, उसके साथ ही वाज लग जाएगा, बाकी साथ में। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, देखिए इसका एक ट्रिक है, ट्रांसलेशन के लिए ट्रिक नहीं बोलेंगे, थोड़ा बेसिक बोलेंगे उसको, तो बेसिक आइडेंटिफायर रूल और मेकिंग रूल बना के उसको एक तरीका से बनाएंगे कि कैसे बनता है, याद रखने का तरीका देगा। उसका अभी वहीं छोड़ देते हैं, अभी ट्रांसलेशन में भी बताने में और इजी होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसी की तरह यहाँ पे भी नोट लिखेंगे क्योंकि नोट लिखना जरूरी है। तो किसी भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस में कोई भी वाक्य हो जो हिंदी बोलते हैं, किसी भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ साथ क्या रहेगा, नॉन या एडजेक्टिव, या दोनों भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है सिर्फ नॉन रहेगा या एडजेक्टिव रहेगा, दोनों भी हो सकता है, साथ साथ नॉन या एडजेक्टिव लगा रहे और अंत में था, थे, थी लगा रहेगा, लगा रहे हैं बस यही, लगा रहे हैं, लगा रहेगा भी लिख सकते हैं, लगा रहे हैं, तो पास्ट टेंस में कर लाएगा। प्रेजेंट में क्या होता था, प्रेजेंट में लास्ट में सारा कुछ सेम ही होता था, लास्ट में है हो लगता था क्योंकि इज आर एम का यूज कहाँ होगा,
प्रेजेंट में जाहिर से बात है वो हूँ, लेकिन वॉच वर्ब का यूज कहाँ होगा, जब लास्ट में था थे थी लगा देगा तभी ना, और सब्जेक्ट तो रहेगा सामने, बीच में क्या नॉन एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आइडेंटिफायर रोल, आइडेंटिफायर रोल यही हो गया कि यहाँ पे यही हो गया आपका आइडेंटिफायर रोल, नोट में ही हो गया ये आइडेंटिफायर रोल। अब यहाँ पे डायरेक्ट मेकिंग रूल देखेंगे, यही हो गया आपका आइडेंटिफायर रूल। मेकिंग रूल देखेंगे तो सबसे पहले हमारे क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा वॉच वेयर, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा वॉच वेयर, प्लस नॉन एडजेक्टिव, प्लस नॉन एडजेक्टिव लगेगा। ये नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख सकते हो नॉन या एडजेक्टिव रहेगा। तो अब इसका एग्जांपल कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ, डीपली समझा रहा हूँ, अब समझने का दिक्कत है। यहाँ पे समझना है कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इज और एम के जगह वाच और आर के जगह उदय, बाकी ये आइडेंटिफायर रूल हो गया, ये इसको याद रखेंगे तो नेगेटिव भी बनेगा प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस का, इंट्रोगेटिव भी बनेगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड अभी बहुत सारा है, तो बहुत सब सिंपल सिंपल है। इसी तरह से इंग्लिश बोला जाता है, ट्रांसलेशन सीखा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वह बीमार थी, वह बीमार थी, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, ऐसा रहेगा ट्रांसलेशन पास्ट टेंस का। तो वह, वह का क्या होगा, वह यहाँ पे वह किस थी का बोल रहे, वह बीमार थी, लड़की के बारे में शायद बोला जा रहा है, स्त्रीलिंग है, तो वह का हमेशा क्या लगता है सी। अब यहाँ पे देखिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ साथ नॉन या एडजेक्टिव, ये क्या है नॉन या एडजेक्टिव है आपका, नॉन या एडजेक्टिव है, तो ये नॉन के बारे में विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हुआ ना। नॉन के बारे में अगर कुछ भी बताया जाएगा, अगर नॉन के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बीमार है, तो वो एडजेक्टिव होता है। भर के बारे में बताया जाएगा, वह भर के बारे में, जैसे कोई किसी चीज़ के बारे में कोई भर भर खेल रहा है, तो वह अच्छा खेल रहा है, तो उसको डिस्क्राइब करेगा तो एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए सी हो गया। अब यहाँ पे क्या लगेगा, सब्जेक्ट के साथ साथ नॉन या एडजेक्टिव लगा रहे हैं और लास्ट में था थे थी, तो सब्जेक्ट बाद वाच वर्ब, तो सी के साथ क्या लगता है वाच, वाच लगता है ना सी के साथ वाच, सी वाच हो गया। और बीमार का क्या होगा, दिल मतलब बीमार, फीवर मतलब बुखार होता, उसे बुखार था, तो सी वाच फीवर, इस तरह लिख सकते हैं, वह बीमार थी, तो सी वास इल हो जाएगा। देखिए सी के साथ क्या लगता था इच प्रेजेंट में, देखिए इच के साथ क्या लगा वाच, वह बीमार थी, मैं गरीब था, तो क्या हो जाएगा आई, उसके बाद क्या लगेगा आई एम पुअर, पास्ट का हो प्रेजेंट का होता था मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, लेकिन यहाँ गरीब था, तो आई के साथ क्या लगेगा वाच, आई वाज, गरीब का क्या लगेगा पुअर। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। एक और ट्रांसलेशन बनाते हैं, जैसे यहाँ पे तुम लोग ईमानदार, तुम लोग ईमानदार थे, तुम लोग ईमानदार थे, तो तुम लोग का क्यों हो जाएगा यू हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू के साथ क्या लगेगा वे, यू वेर, ईमानदार का आप लोग बता ऑनेस्ट, यू वेर ऑनेस्ट हो जाएगा, तुम लोग बेईमान थे तो वी वेर डिसऑनेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे आगे एक और एग्जांपल देखेंगे, हम लोग पुलिस, हम लोग पुलिस थे, हम लोग पुलिस थे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या लगेगा वे,
पुलिस का क्या होगा, पुलिस रूल वेयर पुलिस। तो ये हो गया वाच वेयर का यूज, कैसे यूज होगा, ट्रांसलेशन करने कैसे बनेगा। इसका फिर नेगेटिव भी बनता है, इंट्रोगेटिव भी बनता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनता है, क्वेश्चन मार्क भी बनता है। तो अभी नेगेटिव के बारे में बता देते हैं, ये तो आप जरूरत नहीं है, इसको समझ में आ गया है। नेगेटिव प्रेजेंट पास्ट टेंस का नेगेटिव, पास्ट टेंस नेगेटिव और पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस का नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव तो नेगेटिव का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, नॉट, नहीं। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, नॉट, नॉट मतलब नहीं। कहीं कहीं हम लोग यूज करते हैं नॉट की जगह नो, आई हैव नो पेन, आई हैव नॉट पेन, आई हैव नो पेन, इस तरह यूज करते हैं। पास्ट टेंस का नेगेटिव यानी नॉट, तो इसका मेकिंग रूल क्या आ जाएगा, इसका मेकिंग रूल हम लोग देखेंगे। मेकिंग रूल क्या हो जाएगा, मेकिंग रूल भी सेम हो जाएगा, जैसे पास्ट टेंस का हम लोग बनाए थे उसी तरह से हो जाएगा। मेकिंग रूल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इसका, जैसे बनाते थे, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो लिखेंगे लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वाच वेयर, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे नोट प्लस नॉन या एडजेक्टिव। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में यहाँ पे नॉन और एडजेक्टिव नहीं आएगा, टेंस उसमें वर्ब आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो सिंपल पास्ट का होगा, उसी तरह सबका अलग अलग बनेगा। तो मेकिंग रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वाच वेयर प्लस नॉट प्लस नॉन या एडजेक्टिव, सिर्फ सेम है, थोड़ा सा खाली समझना है, एक एक थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे ना शुरू से अच्छे से, तो सब कुछ समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। मेकिंग रूल सब्जेक्ट प्लस वाच वेयर प्लस नॉट प्लस नॉन या एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन देखेंगे, वही ट्रांसलेशन वही एग्जांपल देंगे ताकि आपको बेटर समझ में आएंगे। अगर नया एग्जांपल अभी देंगे तो बहुत, मेरे पास एग्जांपल है, जैसे मतलब वह उड़ा था, वह उड़ा था, पंखा चला था, तो अभी बहुत सारे नया नया एग्जांपल है, तो अभी वही एग्जांपल देंगे, तो वही एग्जांपल देंगे तो वह ईमानदार नहीं था, ईमानदार नहीं था, इसमें थोड़ा चेंज कर दिए, उसमें हम लोग ईमानदार नहीं थे, तो वह ईमानदार नहीं था, तो वह का क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, यही मेकिंग रूल याद करना है, मेकिंग रूल ही, अब पास्ट है ना, लास्ट में था थे थी, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हमेशा वाच, या फिर भूल जाते हैं ही के साथ क्या लगाना है, तो ही इज होता है ना, तो इज का पास्ट क्या होता है, वाच, ही वाच, उसके बाद नोट लगाएंगे, He was not, और ईमानदार का इंटेलिजेंट ऑनेस्ट होगा, सॉरी इंटेलिजेंट मतलब तेज होता है, He was not honest हो जाएगा। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप बोर हो जाएंगे, लेकिन करके अभी सब सबको समझाना पड़ेगा ना। मैं पढ़ा नहीं था, मैं पढ़ा नहीं था, मैं कुछ भी जो था पढ़ने वाला चीज मैं पढ़ा नहीं था, तो आई हो जाएगा, मैं का सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या लगता है, वाच, आई वाच, उसके बाद नहीं का क्या होगा, नॉट, रीड, इस तरह से बनेगा। अब देखेंगे, वीडियो देखना पड़ेगा कितना लंबा हो गया, 20 मिनट का वीडियो हो गया है अभी, तो ये पार्ट वन इसको कर देते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट पार्ट में मैं पास्ट टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बताऊंगा, इंट्रोगेटिव बताऊंगा और क्वेश्चन वर्ड के बारे में बताऊंगा पार्ट टू में। तो पार्ट टू को भी आप अच्छे से देख लीजिए, अगर वाच वर्ड के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हैं
और इस ज़्यादा मूल अगर अगर सीखना चाहते हैं अच्छे से तो उसको भी आप देख सकते हैं।